जैसे भक्त लोग आजकल सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, उसमें स्पिरिचुअल मैसेज भेज देते हैं, है कि नहीं? तो सडनली एक मैसेज आता है, है कि माया, माया का मैसेज आता है आपके लिए, ये सडनली भक्तों का भी आ जाता है, हरे कृष्णा, ओ हरे कृष्णा में बीच में आ गया तो मजा खराब हो गया। तो भक्त लोग भी बीच में डाल देते हैं, अभी बोला आज मेरी संडे पार्टी है, आज हमको पार्टी करने जाना है, बहुत मंडे से लेकर फ्राइडे सैटरडे बहुत काम किया, आज एकदम खूब पीने का, एकदम जबरदस्त पूरी हफ्ते की टेंशन निकाल लेंगे। नहीं तो बाबा लोग भी फोन कर दिया, हाँ हमारा संडे फीस प्रोग्राम, आप यहां आ जाइए आज। तो दोनों मैसेज ज्यादा सोचता है क्या कहां जाए यार, है जिसकी जैसी भावना, जिसका जहां जो जो ज्यादा खींच रहा वहां चले जाता है व्यक्ति, यहां आ गया तो उसको लग गया ये भी अच्छा है। मैं सोचता हूं वहां जाकर डिस्को करूंगा, इतना अच्छा वहां मैंने डीजे चलेगा, ये तो डीजे से भी ज्यादा अच्छा लगा हमको। कैसा लगा कीर्तन आपको भगवान का? भगवान के संकीर्तन की अलग ही मजा है। ये ऐसा नशा है कि बिना शराब पिए आ जाएगा और ये कभी उतरेगा नहीं। बोलो हरे कृष्ण, ये कभी उतरेगा नहीं, ऐसा नशा है। दूसरे से पैसा लेना पड़ता है, कोई टिकट लिया, पैसा लिया आपके आने से, हाँ आप क्लब में जाओ कम से कम आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, हैं? जाने का टिकट है, खाने का टिकट है, रहने का टिकट है, दर्शन का टिकट है, आपको यहां सब कुछ फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा? सब फ्री मिलेगा। देखो किसी की सुगंध आती है, पकौड़ों की सुगंध आ रही है, कुछ सब नाक से खींचिए, हाँ भगवान का प्रसाद मिलेगा। नहीं कितना पैसा लिया जाएगा आपसे, है फ्री नहीं, फ्री मिलेगा। तो नाचना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री। तो तुमको तुम्हारा पैसा बचा दिया ना, कितना पैसा बचा दिया, आपको आनंद भी दिया बिना पैसे के, इसलिए संडे प्रोग्राम में आना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।